रायबरेली जेल में। अब बोलो। मैं दरसिंगार सिंह रायबरेली जेल में बंद हूँ। मैं 3 तारीख को DIG को अपना बयान देने के लिए गया। मारपीट हमारे साथ जो हुई थी, हम जैसे ही बयान दे के वहाँ से निकले हैं, हमको वहाँ रोक लिया गया गिरदा गेट पर। कहा कि रुकिए, अभी साहब आपसे बात करेंगे। और जैसे ही DIG साहब, जेलर साहब बात करेंगे, अधीक्षक साहब, तो हम गिरदा गेट पर रुके हुए थे। तब तक 5 बज गए। 5 बजे जैसे ही 5 बजे, फिर हमको वहाँ कार्यालय में बुलाया गया। वहाँ अधीक्षक और जेलर साहब और डिप्टी राजेश और तिवारी डिप्टी, ये सब मौजूद थे। तो हमने पूछा सर किस लिए हमको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा रुकिए बता रहे हैं। मुख्य चीफ अशोक सिंह आए। तब तक 2-3 सिपाही पीछे से हमको लाठियों से मारना उन्होंने चालू कर दिया। और राजेश डिप्टी मारने लगे, और जेलर भी हाथों से और लातों से मारने लगे। तो तुम्हें मारा गया होगा, तो तुम्हारे चोटें लगी होंगी। हाँ, हमारी चोटें लगी हैं। कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं तुम्हारी? ये हमारे, ये देखिए हमारे हाथों पे। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ देखिए, और दिखाने लायक है नहीं, अंदर भी बहुत मार दिए हैं। अच्छा, और तीसरे है। मतलब DIG साहब के यहाँ तुम इन लोगों के विरोध में बयान दिए थे क्या? हाँ, हमने विरोध में, हमें साथ जो हुआ था, हमने सत्य सत्य उनको बता दिया। क्या, वो कैसा कागज है वो? ये हमारी रिसीविंग है जो हमने वहाँ दिया है। अच्छा अच्छा, बयान DIG साहब को जो दिए थे, यही बयान है? अच्छा, इसे जरा सीधा करिए। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें DIG साहब बयान लिए तो राजेश डिप्टी साहब का नाम रख लिए थे क्या? हाँ, राजेश डिप्टी का नाम ले लिए थे। जेलर साहब को उन्होंने प्रेशराइज किया, तो हमने जेलर साहब को डर के मारा नाम नहीं बताया। तो राजेश डिप्टी ने हमको कहा कि तुमने यानी हमको फंसा दिया, और उनको जेलर साहब को नहीं, उसकी बात सब अधिकारी एक हो गए हमको। तो तुम पे किस चीज़ का दबाव बनाया जा रहा है कि तुम उनके पक्ष में बयान दे दो? हाँ, हम उनके पक्ष में बयान दे दें हम, बस इसी चीज़ के उनको दबाव बनाया जा रहा है। पहले झगड़ा हुआ था, इसीलिए तो आए थे DIG साहब, कहाँ क्यों आए थे? पहले हमको एक दिन 20 तारीख 20 अगस्त, हाँ 20 अगस्त को उनको निकाल के जबरदस्ती ही बेफालतू में ही मार दिया गया। और 5 लोग अन्य लोग थे, हम लोग जितेंद्र यादव, बिट्टू यादव, राजेश सिंह, राजेंद्र सिंह, और 5 लोगों को निकाल के मारा गया। खाली यहाँ अपना दबाव बरकरार करने के लिए बताइए। तो 3 तारीख को तुम्हें किस हाथे से निकाला गया था? 3 तारीख को हमको 10 नंबर हाथे से निकाल के ले जा गया था। उसके बाद में तुम्हारे जो है DIG साहब, जेल DIG ने बयान लिया। हाँ, जेल DIG ने बयान लिया। जैसे बयान लेके हम निकले हैं, उनको वहाँ के गेट पर रोक बैठा लिया गया। मतलब तुमको 2 बार मारा गया? हमको 2 बार मारा गया, एक बार 20 अगस्त को, एक बार 3 तारीख को मारा गया। बताइए हम सब कैसे जिए हैं। 3 नवंबर को एक बार मारा गया। नहीं तो तुम्हें क्या अपनी जान का खतरा है? हमारी जान को इनसे, हमारे क्या नाम है, PK शुक्ला जेल अधीक्षक साहब से, जेलर साहब से, वर्मा जी से, और राजेश डिप्टी से, तिवारी जी से, अन्य 3-4 सिपाही हैं उनसे हमारी जान माल खतरा है। हमारे अगर इस तरह से बार बार हमारे प्रताड़ित किया जाएगा, हम अपने जान माल सिपाही का नाम जानते हैं, फांसी लगा के आत्महत्या कर लेंगे। तो उस पर क्या आरोप, क्या किस पे क्या आरोप है ये? उसमें जैसे राजेश डिप्टी पे आरोप है कि मारने का, KK पांडे पे, अंजनी यादव पे, सौरभ वर्मा पे, इन लोगों ने तुम्हें जो है मारा, 20 तारीख को मारा था, 20 तारीख को भी, 20 अगस्त को भी मारा, और 3 नवंबर को भी मारा। क्या एक बार अपनी चोटें फिर से दिखाओगे? हम चोट फिर दिखा दे रहे, मगर हमारे साथ न्याय हो। हाँ, तुम्हारे साथ पूरी तरीके से न्याय होगा, है नहीं? ठीक है। अच्छा, तुमको मारने के कारण ही 20 अगस्त को तुमको मारे थे KK पांडे, तो उनका तो ट्रांसफर हो गया, DIG साहब ने कर दिया। DIG साहब से हमें कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने हमारे साथ न्याय किया, मगर यहाँ के फिर अधिकारी हैं वो बिल्कुल उसी में गुंडाराज चल रहा है। 20 अगस्त की घटना की जांच करने बयान लेने आए थे DIG साहब, उसके बाद पुनः तुमको मारा गया। मतलब उसमें ये राजेश डिप्टी और एक दो सिपाही और जेलर साहब थे, जेल अधीक्षक साहब थे। हमारा 156(3) का कोर्ट में चल भी रहा है। किस जिले में मुकदमा चल रहा है तुम्हारा? हमारा तो यहाँ रायबरेली। कहाँ के निवासी हैं आप? हम कादीपुर सुल्तानपुर के निवासी हैं जी। ठीक है। अंशु दीक्षित, सनावशी जगदीश प्रसाद दीक्षित, जिला जेल रायबरेली में निरुद्ध हूँ। अभी लखनऊ से जो है मुझे यहाँ पे जेल प्रशासनिक ट्रांसफ़र किया गया है, और अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से शराब और कारतूस, पिस्टल, है ना, सब कुछ आता है यहाँ पे, और बिना शुल्क दिए यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। और जो भी आपने देखा दारू या जो भी देखा, ये बिना जेल प्रशासन की मिलीभगत से नहीं आता है। और अभी कुछ दिन से ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों की जो है हत्या की योजना चल रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम लोग जो है यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे
लगातार जो है हम लोग यहाँ पे जो है पैसे दे रहे हैं, वसूल ले रहे हैं अब, लेकिन जेल प्रशासन जो है हम लोगों की हत्या की साजिश रच रहा है। और हमारे जो साथी हैं जो साथ में रहते हैं, एक सोहराब खान, सना वसीम और डी एस सिंह, जिनका नाम दल